मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आगामी 19 अप्रैल को होने जा रहे लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर की गई तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी साझा की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार राज्य में पोस्टल वोटिंग बहुत अच्छी हुई है। राज्य के सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने भी इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। पोर्टल व अन्य माध्यमों से आ रही तमाम शिकायतों का निस्तारण भी तेजी से किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों सहित अन्य द्वारा मांगी जा रही परमिशन दिए जाने पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में अभियान जारी है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार पहली बार हमने अभिनव पहल किया है। 60 लाख वोटरों को अभी तक हमने शपथ दिलाया है। ये बहुत ही बड़ी मात्रा है। इसके लिए हमने गिनीज के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि एक अभिनव पहल है कि इतने सारे लोगों ने हमारे पास हस्ताक्षर है। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि हवा में हमने शपथ दिलाया है। हमने तो बिल्कुल एकदम हस्ताक्षर है, अंगूठा निशान या हस्ताक्षर लोगों का, वहाँ पर उपस्थित लोगों का, ये सब हमने किया है। और पहली बार हमने पोलिंग पार्टी को एक बैग दिया है जिससे वो सामान ले जा सकते। इससे पहले छोटा सा बैग दिया जाता था, इस बार हमने एक बैकपैक दिया है और बाद में उसको पोलिंग पार्टी उसको ले जा सकता है स्वयं, उसको हमको वापस करने की जरूरत नहीं है। सो दैट उन लोगों को सामान को डुलान करने में इसके लिए थोड़ा सुविधा रहे। और पहली बार हमने बूथ हेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाया है सारी पोलिंग पर्सनल के लिए, आज तक ये कभी नहीं बनाया है।